नमस्कार, मैं हूं आप सुधांशु तिवारी और आप देख रहे हैं एचएम न्यूज़। वक्त हो गया है खबरों का। टाटा समूह की कंपनी टाइटन के ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क का लगता है कि बुरा दिन चल रहा है। कथित लव जिहाद पर भारी बवाल की वजह से एकत्वम अभियान का एक ऐड हटाने को मजबूर तनिष्क को अब दिवाली का भी विज्ञापन सोशल मीडिया पर विरोध की वजह से वापस लेना पड़ा है। इस ऐड में मॉडल सयानी गुप्ता यह कहते हुए देखी गई हैं कि वह दिवाली पर पटाखे छुड़ाने की जगह कुछ समय अपनी मां के साथ बिताना पसंद करेंगी। बता दें कि क्या है विज्ञापन में जिसको लेकर एक बार फिर तनिष्क विवादों में आ गया है और लोग उसका जमकर वापस विरोध कर रहे हैं। एकत्वम कैंपन के तहत ही जारी इस विज्ञापन में नीना गुप्ता, सयानी गुप्ता, निमृत कौर और अलाया फर्नीचर वाला ने काम किया है। वे आपस में बातचीत कर यह बता रही हैं कि इस दिवाली पर क्या करेंगे। सयानी गुप्ता कहती हैं कि वह पटाखे नहीं छुड़ाएंगी और इसकी जगह अपनी मां के साथ कुछ समय बिताना पसंद करेंगी। लेकिन सोशल मीडिया पर इस ऐड के खिलाफ भी गुस्सा भड़क गया है और इसे हिंदुओं की परंपरा पर चोट के रूप में पेश किया गया है। फिर एक सामाजिक संदेश देने की कोशिश कर रहे तनिष्क के इस ऐड पर भी सोशल मीडिया पर लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी विज्ञापन को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले भी कई सारे जो विज्ञापन हैं वो विवादों में रह चुके हैं। आपको बता दें कि इसके पहले त्योहारी सीजन को देखते हुए तनिष्क हिंदू लड़की की मुस्लिम परिवार में शादी से जुड़ा एक ऐड वीडियो जारी किया था, लेकिन यह उसके लिए परेशानी का कारण बन गया। वीडियो के सामने आते ही लोगों ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों ने इसे कथित लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला बताया। काफी विरोध को देखते हुए तनिष्क को इस विज्ञापन को हटाने के लिए मजबूर भी होना पड़ा था। हालांकि इसका समर्थन करने वाले भी मैदान में उतरे थे, लेकिन विरोध का स्वर इतना ज्यादा था कि कंपनी को यह विज्ञापन हटाना पड़ा था। तो ये थी हमारी आज की खास खबर। इसी तरह की खास खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ।